यदि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पर बार बार डेट और टाइम चेंज करना पड़ रहा है, मतलब समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर पर सीएमओएस बैटरी खत्म हो गया है। हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग जानेंगे सीएमओएस बैटरी चेंज करना और साथ ही इसका प्राइस। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप सीपीयू को अपने पास रख लेंगे और इस सीपीयू को ओपन करने के लिए आपके पास इस प्रकार का एक स्क्रू ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके स्क्रू को ओपन करते हैं। अब उसके बाद इसको लेटा लेना है आराम से। इसके जो कवर है उसको ऐसे दबा के फ्रंट की तरफ खींच लेंगे और इस कवर को ओपन कर लेना है। सीपीयू का कवर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सीएमओएस बैटरी है वो यहीं पर हमको दिखाई दे रहा है। कुछ सीपीयू में ग्राफिक्स कार्ड के अंदर होता है, तो कुछ में हार्ड डिस्क के अंदर या कुछ में एसएसडी कार्ड के अंदर। तो चलिए इस मदरबोर्ड पर लगा हुआ सीएमओएस बैटरी को ओपन करने के लिए यहाँ पर जो छोटा सा लॉक है उसको पीछे की तरफ ऐसे दबाएंगे। प्रेस करने के बाद ये देखेंगे ये जो अपना सीएमओएस बैटरी है वो निकल जाता है। अब इस पुराने सीएमओएस बैटरी जो हमारा ख़त्म हो गया है इसके जगह हम एक नया सीएमओएस बैटरी डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पूरा पत्ता ले लिया था। तो चलिए इसमें से मैं एक बैटरी निकाल लेता हूँ। इस सीएमओएस बैटरी को लगाने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोग को बता दूं, ये जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है, ऐसा ही लगाना है। तो चलिए सीएमओएस बैटरी को मदरबोर्ड पर लगाते हैं। लगाने के लिए उसी जगह पर आ जाएंगे और बस उसके ऊपर रख लेने के बाद इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करते हैं देखिए कट की आवाज़ आई, फिर आपका ये जो सीएमओएस बैटरी है मदरबोर्ड पर लग चुका है। तो लग जाने के बाद चलिए इसका कवर वगैरह फिट करते हैं। ये रोहित सर, इसमें इसको टाइट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो चलिए गाइस, आप अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद समय सेट करने के लिए चाहें तो आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं या फिर आप इस नोटिफिकेशन एरिया पर आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से आप चेंज डेट एंड टाइम में पुनः क्लिक करके यहाँ से आप अपना समय और टाइम सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सीएमओएस बैटरी चेंज करना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।